आपने हम सबसे बातचीत करी और हम सबसे आप राय मशवरा मांग रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। जनता से लगातार संपर्क रहता है, कुछ बातें ऐसी आती हैं जो आप तक पहुंचाएंगे प्रशासन तक, तो जरूर उसका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बहुत से सुझाव भी आए इस पीसी में, मैं अभी सुन रहा था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी, अगर कोरोना वायरस सुन रहा हो तो उसकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी। दुश्मन हमारा एक है, उस दुश्मन को परास्त करना बहुत जरूरी है। ना धर्म में, ना जाति में, ना कोई पार्टी में ये वायरस भेदभाव नहीं करता। इसको परास्त करेंगे तो आगे राजनीति जरूर चल हो जाएगी। सबसे पहले बड़ी बात तो यही है, और आपने इस पर भी बात करी, एक लोगों में डर है, वो बीमार जो व्यक्ति है उससे भी डरते हैं, तो इसको दूर करने में एक जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत हो, उनसे हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परहेज होना चाहिए। और क्वारंटाइन में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो 80 से 90% लोग स्वस्थ होकर निकलते हैं, तो घबराने की बात ज्यादा ही डॉक्टर्स भी इस करते बात डॉक्टर्स भी इस बात करीब 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 सभी निकलते हैं, करीब करीब मुश्किल तो ऐसा तो निकलते। कहने बिल्कुल सही मुख्यमंत्री साहब, तो कहने का मतलब यह है कि जो अंदर से जो इच्छा शक्ति होती है शरीर की, वो इच्छा शक्ति इस वायरस को समाप्त कर सकती है। तो एक भरोसा, एक विश्वास, ये अगर हो भी जाए, पहली बात तो इस तरह से कार्रवाई करें कि ना हो और अर्थव्यवस्था भी चले और बाकी सारा काम भी चले, और हो भी जाए तो ऐसी कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है, ये जागरूकता करने का बहुत जरूरी बात है। दूसरा, जो बड़े बड़ी मात्रा में जो प्रवासी आ रहे हैं, उसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स, लेटरर्स आ रहे हैं, उसमें कुछ एक स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं, कोई ग्रामीण क्षेत्र बजा रहे हैं, कोई अर्बन इलाके बजा रहे हैं, सबको अपने अपने तरह का काम मिलना शुरू होना चाहिए। 1 महीने रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे, लेकिन जैसे आपने भी सही कहा, जितने भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल की बात कर रहे हैं, तो ये लंबे समय तक चलेगा। उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का होता है वो तुरंत हमें शुरू करने चाहिए। राजस्थान के अंदर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो उनका स्किल क्या है, और स्किल के हिसाब से अगर कोई नौकरी उनको मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जहां जरूरत होगी, मान लीजिए कोई मुंबई से आया है, मुंबई में अपना काम छोड़कर आया है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर है, अगर उसको जयपुर के अंदर ही उसी तरह का काम मिलता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप इस तरह से होना चाहिए, जहां पे स्किल्ड जो वर्कर्स है उनको काम मिल सके, जो लोग ढूंढ रहे हैं स्किल्ड वर्कर्स को, उनको एक जगह पर इन सब का पता मिल सके, जो काम तलाश रहे हैं उनको भी एक जगह पे। उसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी टीवी में, बड़ी मात्रा में मनरेगा से लोग जुड़ रहे हैं, मनरेगा के अंदर पैसे की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। अब जो बड़ी मात्रा में लोग मनरेगा से जुड़ रहे हैं, अभी क्योंकि बारिश का मौसम जल्दी आने वाला है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। पानी की भी समस्या की बात आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी, हम इसका लाभ उठा सकते हैं कि जो पिछली सरकार के अंदर एक जल स्वावलंबन पर अच्छा काम हुआ, और जल स्वावलंबन कोई पार्टीबाजी नहीं है, वो हर हम राजस्थान के अंदर जितने भी हम सबका दायित्व बनता है, बोर कुओं का रिचार्ज होना, चेक डैम खुदवाना, गांव खेत के अंदर कुंड बनाना, और ये बारिश से पहले अगर अभी शुरू करते हैं हम काम, तो बारिश के अंदर जितना पानी आएगा उसको हम बचाकर आधी जो समस्या होती है पानी की उसको हम सुलझा सकते हैं। हम वृक्षारोपण के ऊपर भी बहुत बड़ा एक अभियान चला सकते हैं मनरेगा के तहत, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं उससे, तो आने वाले समय के लिए हम हमारी जो पीड़ा है उसको कम कर सकते। राशन के ऊपर बात हुई, अलग अलग विधायकों ने बात करी, मेरे पास भी रिपोर्ट आती है मुख्यमंत्री साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग जनता कहती है नीचे जमीनी स्तर पर कि भेदभाव हो रहा है, आप अपने लेवल पर इसको यकीन करिए। मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से शायद ये जो भेदभाव कम हो सकता है, कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी लॉगिंग होनी शुरू, कौन कहां पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया, और
दोबारा वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या दूसरे मोहल्लों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं। इस तरह से एक लॉगिंग होनी चाहिए, एक अकाउंटिंग होनी चाहिए, उससे अपने आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो भेदभाव है वो कम हो जाएगा। दूसरा जो बात कुछ अन्य विधायकों ने भी उठाई, जो मंडी के ऊपर जो 2% जो किसान कल्याण कोष के नाम से जो फीस लगाई जा रही है, मुझे लगता है आप एक बार देख लें। मैं जानता हूँ आपका जो इच्छा है, आपका जो इंटेंशन है वो यही है कि पैसा राजस्थान के लिए इकट्ठा हो जाए, आप उसको खर्च करें, लेकिन एक बार फिर उसको आप फिर विचार कर लें। और व्यवस्था के ऊपर अब तो ये हमले थोड़े कम हो गए, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, आगे भी ये चलकर मोहल्लों में जाएंगे, ऊपर कोई प्रहार हो, सुरक्षा हो, इसका टिड्डी का जो है आपने उसके ऊपर उठाया, टिड्डी दल का जो वो है, अब टिड्डी जो आगे बढ़ रही है उससे पहले जो केमिकल्स की जो स्प्रेइंग होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से हम प्रोएक्टिव होकर करें, जो जो रास्ता वो जो हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो रास्ता वो ले रहे हैं, उसमें हम पहले से वहां पर जो केमिकल्स का छिड़काव करें, तो प्रोएक्टिव होकर करें। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलनी बहुत जरूरी है, निसंदेह। मुझे लगता है कि जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन है, उसके अंदर बहुत से ऐसे हैं कि जिले को नहीं, अगर आप तहसीलवार आप इसका जायजा करें तो तहसीलवार है कई जगह जहां बिल्कुल भी अभी कोई कोरोना का केस नहीं है ना पहले। मैं अपने क्षेत्र का भी उदाहरण दे सकता हूं, जहां शुरू से लेकर अभी तक कोई कोरोना का केस हुआ ही नहीं, वहां पर लॉकडाउन जो है वो इंटर तहसील बाउंड्री पर होना चाहिए, यानी तहसील को जंप ना करें, ब्लॉक को जंप ना करें, लेकिन ब्लॉक के अंदर पूरी तरह से खुली छूट होनी चाहिए। हाँ, जो हमारा सोशल डिस्टेंस मास्क है, ग्लव्स है, वो पूरा कायदे के हिसाब से, कायदे के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन छूट होनी चाहिए, आर्थिक छूट होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जनता इस तरह जागरूक आ रही है कि दुकानों के सामने उन्होंने एक बाड़ा बंदी कर दी है ताकि एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है। बहुत शानदार, मैं बधाई देना चाहता हूँ ऐसे दुकानदारों को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जागरूकता का एक बहुत शानदार पैमाना है, बहुत शानदार एक स्टैंडर्ड है कि हर दुकानदार अपने दुकान के आगे एक सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो आर्थिक गतिविधियां है इसको खोलना बहुत जरूरी है, और आप इसको तहसीलवार इसको देख सकते हैं। और उसी से मुझे ध्यान में आता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर सब्जियां बहुत होती है, और सब्जियां जो दिल्ली जाती है उसके माध्यम से कोरोना केस आए हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इनको रोकना सही नहीं है। इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, एक तो जो जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं दिल्ली, या तो हम राजस्थान के तरफ से हम दिल्ली में व्यवस्था करें कि मास्क और ग्लव्स तो खैर कंपलसरी है ही, वहां जाएं अपनी सब्जी, और सब्जी बेचने के बाद जब वापस आते हैं एक जगह हम चिन्हित करते हैं, जहां पे मतलब जयपुर की तरफ आते हैं तो वहां एक जगह हो गई, अलवर की तरफ से आते हैं तो वहां एक जगह हो गई, जगह चिन्हित करके हम उनके लिए मैंडेटरी कर दें कि यहाँ पर गाड़ियों को सैनिटाइज करा जाएगा, यहाँ पर आप सब साबुन के साथ नहाएंगे, अपने बैग में जो दूसरे कपड़े लेकर आए हैं वो पहनिए, ताकि घर जब आप वापस जाएं तो वायरस ना आपके कपड़े के ऊपर हो ना गाड़ी के ऊपर हो। और ये अगर एक ड्रिल की तरह शुरू करेंगे तो हमारा जो सब्जी को उत्पादन है उसकी बिक्री भी हो पाएगी, और साथ साथ जो वायरस है वो घर तक कम होगा। एक आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मुख्यमंत्री साहब अगर आपका ध्यान में आकर्षित कर सकूं तो नोट हो रहा है। हाँ सर, मैं खास तौर से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई है कि आरोग्य सेतु ऐप को कुछ प्रशासन के अधिकार कह रहे हैं साहब ये जरूरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, राजस्थान की जो एप्लीकेशन है उसको कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन का अलग अलग फायदा है। आरोग्य सेतु एक तरह से हमें बतलाता है कि जो बीमार व्यक्ति है जिसको, या जो सस्पेक्टेड केस है कोरोना का, वो कहाँ पर है,
तो मैं अपने आप को उस व्यक्ति से या उस क्षेत्र से दूर रख सकता हूँ। तो सोशल डिस्टेंसिंग का वो एक और अगर एडवांस्ड वो वर्जन है, तो मुझे लगता है अगर ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।